मैं जरा कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूं, मैं कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूं और आप कर्नाटक के हैं, अब आपका और किसान नेता स्वयं यहां बैठे हैं। हमारे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी अपने आप को एक किसान पुत्र के रूप में हमेशा लोगों को बताते रहते हैं। आपकी सरकार आपने बड़ी घोषणा की थी और हमें कह तो कि घोषणाएं करके मोदी ने वोट ले लिया। आपने कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था, इसके लाभार्थी 43 लाख अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कर्नाटक का 43 लाख उसके हितकारी हैं और अभी तक सिर्फ 60,000 लोगों को लाभ। ये मैं आपके सरकार की बात बताता हूं, आप 43 लाख में से 60,000 और आप दुनिया को कर्ज माफी के नाम पे बता रहे हो 10 दिन में कर्ज माफी, 10 दिन में कर्ज माफी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाकर के आइए, वहां अभी तो कागज पर चिट्ठियां नहीं बन पा रही है। 10 दिन में आप बातें बड़ी बड़ी करते थे और मैं बता रहा हूं आपका 10 वर्ष का सर्कुलर, 10 वर्ष का आपका खेल, 10 वर्ष के खेल में आप एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपया माफ करते हैं 10 साल में एक बार, और ऊपर के जो 2-3 करोड़ किसान हैं वही उनके हितकारी होते हैं, पहुंचता तो है नहीं। हमारी योजना है प्रतिवर्ष 10 साल का मैं हिसाब लगाऊं तो किसानों के खाते में 7.5 लाख करोड़ रुपए जमा होगा। कहां 50-52 हजार का खेल और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों के हाथ में जाएगा। इतना ही नहीं, हमने इस बजट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, मछली पालन करने वाले किसानों के लिए भी हमने विशेष व्यवस्था के लिए भी, जो किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट किसान को मिलते थे वो पशुपालक को भी और मछली पालन वाले लोगों को भी मिलने वाले हैं, इसका फायदा होने वाला है। हमने उन लोगों के विषय में सोचा, एक संवेदनशील सरकार कैसे काम कर सकती है। आप कहेंगे हमारे समय भी था, हमारे समय भी था, भाई सब कुछ आपके समय में था और मुझे तो ये आपके किए हुए उसको पूरा करने में मेरी ताकत काफी जा रही है, क्योंकि आप ऐसा सर हाथ लगा लगा करके छोड़ दिया है कि इसको पूरा करना पड़ रहा है, और लेकिन उसको भी मैं खुशी खुशी